व्यूअर्स वेलकम बैक टू चैनल। इस छोटा सा ब्लॉग में मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ जो पासीघाट से लगभग 8 किलोमीटर समथिंग कुछ दूर है, जहाँ पे मैं अभी खड़ा वीडियो बना रहा हूँ। यही है वो जगह जिसका नाम एक दूरा बेली स्विमिंग पूल है, और एक जगह भी है आप पिकनिक भी खा सकते हैं। तो मैं जहाँ से अभी वीडियो खड़ा के बना रहा हूँ वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। स्विमिंग पूल वहाँ नीचे में है और इसका आगे में आपको मैं ये दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए छोटा छोटा सा हाथ बना के रखा हुआ है, सब जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। आप यहाँ पे पिकनिक कर सकते हैं, फैमिली को लेके आ सकते हैं। यहाँ में 5-6 घर है जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं, धूप का समय में भी बढ़िया है। तो ये दूरा बेली स्विमिंग पूल है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आदमी देख सकते हैं। ये दोनों यहाँ पे 2 रूम है और यहाँ पे पिकनिक आ सकते हैं। देखिए ये यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ पे आप गीत गाना कर सकते हैं, उसके बाद रोस्टिंग करने के लिए भी प्रोविजन दिया गया है। तो चलिए मैं आपको दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज मिलता है। ये देखिए आपका रोस्टिंग करने के लिए आप ही आप रोस्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पे खाना खा के हाथ धुलाता है, बहुत अच्छा है। और यहाँ से जाता है एक तो ये छोटा सा हाउस, स्मॉल हाउस यहाँ पे भी है, 9 वाइस बनाया है। यहाँ पे अन्न बीच के खाना खाता है, हाँ वो यहाँ पे रोस्टिंग भी करता है, रोस्टिंग करने का जगह भी है। और यहाँ पे अन्य लोग डांस करते हैं, पिकनिक करता है। और यहाँ पे बर्तन थाली धुलाता है खाना खा के, और यहाँ पे अन्य खाना खाता है। स्विमिंग पूल है, अब ये ब्रिज सामने जाएगा। और यहाँ छोटा सा हाउस स्मॉल, और यहाँ से अभी हम लोग जाएगा। कुछ बना रहा है, आप लोग को बता नहीं सकता है क्या है मालूम नहीं। नदी आ सकते हैं पानी, और जैसे और ये स्विमिंग पूल पानी आ सकते है। और यहाँ पे गद्दा गद्दा वहाँ से गद्दा है वहाँ पे, और हम लोग यहाँ से जाएगा रास्ता। यहाँ पे यहाँ से पानी निकलता है, और यहाँ पे निवेश करते थोड़ा। वहाँ से पानी निकलते वहाँ पे गड्ढे है, वो रहा।
यहाँ पे भी है। गाड़ी वाते हैं, घर बना रहे हैं। दोस्तों तो मैंने आपको दूरा वैली स्विमिंग पूल दिखाने की कोशिश किया। ये प्रॉपर्टी है पूरा, इसके नीचे में स्विमिंग पूल है, उसके बाद उसके थोड़ा अंदर में जंगल में वो है पिकनिक स्पॉट है, जो कि मैं आपको ये बता दूँ पिकनिक स्पॉट भरा है। वो पिकनिक स्पॉट पे आप 3 पार्टी पिकनिक खा सकते हैं। उसके बाद मैंने मालिक से बात किया है, अगर आप ये पिकनिक स्पॉट को पूरा अकेला अगर रिजर्व कर लेता है तो 2500 एरिया को पूरा रिजर्व कर लेगा। आपका एरिया पूरा रिजर्व होगा 2500 में, 2500 में। उसके बाद 3 पिकनिक स्पॉट है, उसमें से अगर आप एक को बुकिंग करता है तो 1500 में आप एक पिकनिक स्पॉट मिलेगा, जो कि 3 पिकनिक स्पॉट है। तो देखिए अभी मैं आपको जहाँ से वीडियो बना के दिखा रहा हूँ वो पास से आने वाला है, से 1 किलोमीटर दूर है लेकिन बहुत सामने है, जिसका आगे में आपका सिरकी वाटर पोल है, उसको जस्ट क्रॉस होने के बाद आपको मिलेगा। इसका आगे में एक पेट्रोल पंप भी है और मैं आपको सबूत के तौर पर दिखाना चाहता हूँ। ये साइन बोर्ड है, आप देख लीजिए। अगर आप इसका फ़ोन नंबर को चाहिए, अगर मालिक से बात करना है तो ये फ़ोन नंबर है, शायद आपका कैमरा में उल्टा आ रहा होगा। टाइम है, एग्जैक्ट टाइम मैं आपको बता दूँ, सुबह 9 बजे लेके शाम 6:30 तक पूरा चलता है। और मैं आपको दो बार बता दूँ, पासीघाट से ये लगभग आपका 8 किलोमीटर दूर है। और ये सब जितना भी गाड़ी आ रहे हैं ये आपका पासीघाट से आ रहा है, ये सब पासीघाट से आ रहा है। इसके बाद वहाँ में आपका वो पावर हाउस है, इसके बाद आप रैंकिंग मिलेगा, ये लोग यहाँ से निकल जाता है। और यहाँ में आपको छोटा सा एक दुकान भी मिलेगा, यहाँ में एक दुकान है, आपका जो चाहिए यहाँ से आप ले सकते हो, यहाँ से आपको घुस के वहाँ से नमना है। तो दोस्तों मैं ये ब्लॉग में मैंने आपको एक छोटा सा ब्लॉग में ये दिखाने की कोशिश किया। तो ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।